सिटी न्यूज। अरे भाई रसीले, क्या बात है, आज तो तुम बड़ा खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं मुगलू, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी, जिंदगी मायूस थी, मैं मरना चाहता था। अचानक मुझे जिंदगी मिल गई। मैंने एक बुक स्टॉल पर उजाला सिटी समाचार पत्र पढ़ा। पढ़ते ही मुझे जीने की उम्मीद नजर आने लगी। मैं बहुत खुश हूं, अब मैं जीना चाहता हूं। क्या कुछ नहीं उस अखबार में, सब कुछ तो है। महिला जगत, खेल, देश विदेश, जिलों के समाचार, राजधानी की खबरें, मनोरंजन, व्यापार और भी ना जाने क्या क्या। आप भी अपनी जिंदगी में उजाला लाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए उजाला सिटी समाचार पत्र। अपने हाकर से मांगिए या किसी भी बुक स्टॉल से खरीदिए या फिर सदस्य बनिए। उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला सिटी समाचार पत्र। अब देर कैसी, जल्दी कीजिए। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। डॉक्टर सचान की मौत की न्यायिक जांच शुरू। 28 जून को दर्ज किए जाएंगे बयान। प्रदेश के 5 महानिरीक्षकों की पदोन्नति। अब संभालेंगे एडीजी का पदभार। रसोई गैस और डीजल के दामों में वृद्धि। गैस 50 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। शहर में लेसा का छापेमारी अभियान जारी। हजरतगंज के 2 होटलों में पकड़ी गई चोरी। नगर निगम द्वारा हटाए गए अवैध कब्जे। इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट चला अभियान। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। नमस्कार, लखनऊ उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। अब देखिए खबरें विस्तार से। रसोई गैस, डीजल और केरोसिन ऑयल के दामों में वृद्धि किए जाने का विरोध चारों ओर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा का जुलूस कैसरबाग बारादरी से परिवर्तन चौक तक गया, जहां पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। भाजपा ने कैसरबाग चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगातार महंगाई बढ़ रही है। उसी कड़ी में कल गैस सिलेंडर में 50 रुपए, डीजल में 2-3 रुपए और मिट्टी 3 रुपए डीजल में और 2 रुपए मिट्टी के तेल में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। रसोई गैस में 50 रुपए बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर गरीबी की हालात ये है कि मजदूर किसान बेचारे रोटी नहीं पा रहे हैं। इस समय पर इतनी जबरदस्त महंगाई है कांग्रेस सरकार बढ़ा रही है, जिससे तमाम मजदूर और किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश बंगाली अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झूलेलाल पार्क स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। धरने का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष नित्यानंद मलिक ने किया। समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति के लोगों की दयनीय दशा का उल्लेख किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। रक्षक सेवा संस्थान के अध्यक्ष सर्जन डॉक्टर आर के वर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उनका संस्थान एक डांस प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसके लिए 26 जून को अवध जिमखाना क्लब में ऑडिशन होगा। स्थानीय प्रेस क्लब में डॉक्टर वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि ऑडिशन में 9 साल से 25 साल के लोग भाग ले सकेंगे। चयनित प्रतिभागियों का फाइनल मुकाबला 3 जुलाई को गांधी भवन में आयोजित होगा। बच्चे एक्साइटेड रहेंगे पहले, और उस दिन जो भी स्केड्यूल के साथ गांधी भवन में 5 PM डांस परफॉर्मेंसेस की कोई स्पेशल वो नहीं है कि यही डांस कौन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज़।
आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 22 रजब पर शिया समुदाय द्वारा पैगंबर इमाम जाफर सादिक की नजर की गई। घरों में मिट्टी के बर्तनों में मीठी टिकिया, मिठाई एवं पकवान आदि नजर में रखे गए। सुबह फजर की नमाज के उपरांत नजर का आयोजन हुआ। इसके उपरांत शिया समुदाय के लोगों ने अमन की दुआएं करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। कर्मियों द्वारा संचालित उजाला सेवा संस्थान के माध्यम से युवक युवतियाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो मीडिया का पूर्ण निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। उजाला सिटी न्यूज 195/11 JN रोड नियर कैसरबाग बसड्डा गोलागंज लखनऊ। फोन नंबर 0522329-7835 और मोबाइल नंबर 8081741076। चौधरी जरार अहमद नकी जिंदाबाद, नकी भाई पास जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, नकी भारतीय एकता पार्टी के सदस्य बने चौधरी जरार अहमद नकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक दैनिक जीशान जरार। पार्टी के मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार एवं हिंदू मुस्लिम एकता। संपर्क सूत्र 9359-138416 या 9219-318550 या 9917757225 या 0895890721 या 7500516370 और 7500516372। निवेदक पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। जल्द रिलीज हो रही लखनऊ में बनी प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म ये इश्क नहीं, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सैयद रुश्दी हसन। शहर है लखनऊ, बाजार में बिक्री। इस बार इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होगी। आते ये सुहानी ये रंगी समा, आ चल कर बना ले कहीं आशिया। एडमिशन ओपन सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ। फोन नंबर 0522-241-6973, 241-3964। सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज ठाकुरगंज लखनऊ। फोन नंबर 0522-240-5689, 3297-380। संस्थापक प्रबंधक श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। अब वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उजाला सिटी न्यूज ने मुझे अपने मेहमान प्रोग्राम में आमंत्रित करके एक अपने बारे में मुझे कहने का कुछ मौका दिया है। मैं नियाज अहमद, चीफ पोस्ट मास्टर लखनऊ GPO, ज़िला फैज़ाबाद के एक छोटे से गांव ताजपुर कोंडरा का रहने वाला हूँ, जहाँ से मेरी शिक्षा गांव में शुरू हुई, बाद में हम शहर आ गए, फैज़ाबाद शहर में रहने लगे। और उस ज़माने में ऐसे मॉन्टेसरी स्कूल तो हुआ नहीं करते थे जैसे आज होते हैं। तो शिक्षा 5 साल की उम्र के बाद ही मतलब मिलती थी, स्कूल में दाखिला मिलता था। तो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ करके हमने अपनी शिक्षा की शुरुआत की।
उसके बाद फैजाबाद से ही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसके बाद साकेत महाविद्यालय से बीएससी की तालीम हासिल की। साकेत में बीएससी करने के बाद फिर ख्वाब था कि टीचर बनूं, तो बीएड की डिग्री भी वहाँ से हासिल की। फिर एक आध जगह इंटरव्यू में भी गया, पर उस ज़माने में टीचर्स 72 की बात बताएं तो टीचर्स में अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से होता था, तो मुश्किल से होता था, तो सिफारिश वगैरह बहुत लगती थी। एक आध दो जगह गए तो मायूसी हाथ लगी। फिर हमने डिपार्टमेंट पोस्ट को, जहाँ पर बिना किसी सिफारिश के अपॉइंटमेंट मेरिट के आधार पर होते थे, वहाँ कोशिश की। बाय द वे मैंने टेलीग्राफ, टेलीफोन और पोस्टल सभी में अप्लाई किया और सभी में सेलेक्ट हुआ, लेकिन ऑप्शन डाला मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट का। और वहाँ से मैंने छोटी सी पोस्ट जो होती है क्लर्कल पर, वहाँ से ज़िंदगी शुरू की। 4-5 साल के बाद मैंने इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस का इम्तहान पास किया और उसके बाद रफ्ता रफ्ता असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जो आज मेरे पास है, इस पर पहुँचा। बहुत महत्वपूर्ण हमारी नहीं है ना, ज़िंदगी में बहुत ख़ास ऐसी चीज़ है जो मैं, जिससे मैंने कुछ ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जो बहुत ही कारगर साबित होगा, लेकिन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हमने बहुत देखे हैं, परेशानियाँ भी झेली हैं, बहुत मुश्किलों से हम यहाँ पहुँचे हैं। और इसमें ख़ास जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो मेरे चचा हैं, जिन्होंने मैं तालीम में मेरी अपने टाइम से, मैं उस ज़माने में जो तालीम दिया जा सकता था उतनी तालीम देखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जनाब हाजी कमाल मोहम्मद साहब, उजाला सिटी के दर्शकों को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना वक्त मुझे सुना, और उजाला सिटी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। आप हमारे द्वारा प्रसारित अपने खास प्रोग्रामों को देश विदेश कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट www.ujalacitynews.com पर भी लॉग ऑन कर देख सकते हैं। अंडर भारतीय शिशु समिति इंडिया, SVP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, SVP इंटर कॉलेज, बिहाइंड गायत्री मंदिर, आदिल नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ। SVP सेंटर ऑफ हायर स्टडीज, आदिल नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ। BA, BCom, BSc, BBA, BCA, शुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ, UP गवर्नमेंट। SVP इंटर कॉलेज, नियर बाउली पुलिस चौकी, MD रोड, सादतगंज, लखनऊ। SVP सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS बोर्ड, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर ITI, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस मिशन के तहत हमारा अगला कदम है कि जो हमारे ब्लू स्टैंडर्ड बच्चे हैं, ब्लू स्टैंडर्ड इन द टर्म ऑफ माइनॉरिटी, जो गरीब बच्चे हैं और जो एवरेज बच्चे हैं, उनको भी हम कम से कम शुल्क में अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ पे हम प्रदान करें। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। आप अपने आयोजनों की कवरेज एवं विज्ञापनों हेतु व सुझाव के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0522-329-7835, 9026307575, 8081-741-076 और फैक्स नंबर है 0522-410-6197। अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी,
ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद मस्ती भरी हवा जो चली मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में है खलबली के उनको तो बुलाऊं ओ हो हो खोया खोया चांद मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा जरा ठहरो जरा ठहरो सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना खुली पलक में झूठा गुस्सा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल आँखों में इकरार की झलकी होंठों पे इनकार जीना भी मुश्किल होए मरना भी मुश्किल हर फिक्र को धुएं में उड़ा जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा होटल गैलेक्सी इंटरनेशनल नाका हिंडोला क्रॉसिंग चारबाग लखनऊ फैसिलिटीज अवेलेबल अटैच बाथरूम विद रनिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर मल्टी चैनल सीसीटीवी इन एवरी रूम डायरेक्ट डायलिंग टेलीफोन सिस्टम 24 आवर रूम सर्विस एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल सेक्रेटेरियल सर्विसेज एंड ट्रेवल डेस्क एयर एंड रेल टिकट्स फास्ट बिजनेस सेंटर इंटरनेट फैक्स कोरियर एंड फोटोकॉपी एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल We accept all the credit cards. Doctor on call, same day laundry service. Half kilometer distance from railway station and 500 meters from Charbagh bus stand. आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल अब देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी
तो खूब ही कमात हैं महंगा। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस में 50 रुपए, डीजल व 3 रुपए और केरोसिन ऑयल पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से वृद्धि करके जनता को महंगाई के बोझ में दबा दिया है। जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही थी, अब इस मूल्य वृद्धि में खर्च का बोझ बढ़ गया है। सब्जी, आम जरूरत की वस्तुएं जहां महंगी होना शुरू हो गयी, वहीं किराए भाड़े में वृद्धि की पूरी संभावना है। इस ज्वलंत मुद्दे पर उजाला सिटी न्यूज की टीम ने आम लोगों की राय ली। पेश है खास रिपोर्ट। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के का बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के का बोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डर खाए डर है, कटी सही आलू मुंबई कमात है, महंगाई डर खाए डर है, सखी सही आलू मुंबई कमात है, महंगाई डर खाए डर है, सखी सही आलू मुंबई कमात है, महंगाई डर खाए डर है, सखी सही आलू। भैया ये जो रेट डीजल के बढ़ रहे हैं, भाड़ा कहीं बढ़ नहीं रहा है, पुलिस वाले अलग परेशान किया कर रहे रास्ते पर। क्या आपकी मांग है? ये डीजल के रेट घटावे बढ़ावे ना। अरे सोयाबीन का था बेहाल, गर्मी से तुझ के हैं गाल, गिर गए पत्ते पक गए बाल, और मक्का जी जी में 50 रुपए एकदम से बढ़ा दिए, 50 रुपए काफ़ी बढ़ा देने से घरेलू का जो है काफ़ी खर्चा बढ़ गया है, घर का बजट ख़राब हो गया पूरा। 50 रुपए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से जो है और बाकी जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है। और बताइए और क्या बता रहे भाई, जो मेन चीज़ ये है कि गैस के दाम जो है अभी उसको बढ़ाने नहीं चाहिए ज़्यादा, 10-15 रुपये बढ़ाना चाहिए। 50 रुपये बढ़ने से जो है काफ़ी लोगों को भार पड़ चुका है, पब्लिक अरे कमा कमा के मर गए सैया, पहले तगड़े तगड़े थे अब दुबले पतले हो गए सैया, अरे कमा कमा के। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज़, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज़ चैनल।